देवी देवता सारे लोग पहुंच रहे थे अपने वाहनों के साथ, उसमें भ्रमण करते हुए चंद्रशेखर भूत भावन भोलेनाथ भी पहुंचे। जगत पिता ब्रह्मा ने भोलेनाथ को अपने बगल में बैठाया, उनको उच्च आसन दिया, उच्च सिंहासन पर उनको बैठाया। सब माता बहनें सभी वहां पर प्रांगण में बैठी हुई थी। इधर में अहंकारी दक्ष प्रजापति सभा के मध्य, जैसे आप लोग बैठे यहां पर, पिता ब्रह्मा बैठे हो, चंद्रशेखर भोलेनाथ बैठे हो और सामने से दक्ष प्रजापति आ रहे हैं। दक्ष प्रजापति को देखकर जितने भक्त लोग बैठे थे, जितने वहां पर बैठे थे, सभी खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। लेकिन चंद्रशेखर खड़े की तो बात दूर है, उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। बाबा ऐसे ही करके बैठे। जब दक्ष प्रजापति ने देखा ये कैसा पागल है, सबने मेरा सम्मान किया, सबने मेरा स्वागत किया, ये पत्थर की फांक बैठा है शिशु पद रखने वाला, धोबियों की तरह रहने वाला पाखंडी, संसार में से भूत भूति लाकर अपने कर्म कमाने वाला, डबरू को धरकर पागलों की तरह बनाने वाला, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, मैंने अपनी बेटी का विवाह इस दुष्ट के साथ कर दिया। देखो ये सब